दोस्तों फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग नोटिस भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि ड्यू ईटी सितंबर 2020। सो इसका एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है यूजी पीजी एमफीएल एंड पीएचडी सभी कोर्सेज़ के लिए रिलीज़ कर दिया गया है और इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेसिस आपका एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी है वो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो ये जो एडमिट कार्ड है दोस्तों आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो को दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जो है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा और वहाँ से जो है आप लोग ये जो एडमिट कार्ड है आपका डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, आप लोग जो है इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप जो है मेल भी यहाँ पर कर सकते हो अगर आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है। देखिए एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या यूज़ करना है। आपको अपना जो फॉर्म नंबर है वो यूज़ करना है एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपने फॉर्म में डाली थी वही आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आप जो है अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो हम लोग चलते हैं एनटीए की वेबसाइट पर। दोस्तों एनटीए की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर ये देखिए जो नोटिस वाला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए क्लिक है टू डाउनलोड ड्यू ईटी 2020 एडमिट कार्ड्स राइट। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपके सामने शो करेगा। मैं भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों को जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा। हम लोग यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्म नंबर है वो फिल करना है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आप लोग यहाँ पर उसके बाद जो है आपको लॉगिन करना होगा। ये सारा आपको फिल करना है, मीन्स फॉर्म नंबर फिल करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन है आपके सामने शो करेगा। तो आप लोग इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आपको इसको जो है शेप रखना है क्योंकि नोटिस में यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके रिगार्डिंग भी कुछ लिखा हुआ है। सो जो जिस कंडीशन में आप उसे डाउनलोड करते हो उसी कंडीशन में आपको रखना है एडमिट कार्ड को क्योंकि फ्यूचर में भी ये आपके काम आने वाला है। सो दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, इसका जो एंट्रेंस हो रहा है उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया। ओके तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।